एकता कपूर का नागिन फ्रेंचाइज हमेशा से ही हिट रहा है, जो यहाँ जब भी इसका सीजन आया है तब भी ये हमेशा नंबर वन की पोजीशन पे रहता है। बीते दिन यहाँ पर इसको लेकर कई खबरें आई, तो वहीं बीते 3 सीजन के जरिए एकता कपूर ने टीआरपी लिस्ट में खूब धमाल मचाया। लंबे समय से सुनने में आ रहा है कि एकता कपूर जल्द ही नागिन 4 लेकर आएंगी, और हाल ही में मेकर्स ने तो इस खबर पर मुहर लगाते हुए नागिन 4 का टीजर भी लॉन्च किया। तो वहीं कहा जा रहा है कि नागिन सीरियल की शुरुआत आप सभी को दिवाली के बाद देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हर कोई ये जानने के लिए काफी एक्साइटेड है कि आखिर इस बार नागिन 4 में कौन सी हसीनाएं नागिन बनकर धमाल मचाने वाली हैं। जी हां, बीते दिनों ही इस सीरियल के लिए निया शर्मा के नाम पर मुहर लग गई है, लेकिन एकता को दूसरी नागिन के लिए एक और चेहरे की तलाश थी। सुनने में आ रहा है एकता कपूर की ये तलाश अब खत्म हो चुकी है। जी हां, क्योंकि एक रिपोर्ट की माने जाए तो नागिन 4 की दूसरी नागिन के लिए मेकर्स ने आलिशा पनवर को कंफर्म कर लिया है। सीरियल से जुड़े यहां पर सोर्सेस की मानी जाए तो निया और आलिशा जल्द ही सीरियल की शूटिंग भी शुरू करने वाली हैं। हालांकि इस तरह की खबरों पर आलिशा और निया ने कुछ भी कहने से मना कर दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि यही दो हसीनाएं हैं जो कि नागिन बनकर टीआरपी लिस्ट में खूब तहलका मचाने वाली हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि ये पहली बार नहीं होगा जब निया आलिशा एक साथ यहाँ पर एक फ्रेम को शेयर करेंगे। आपको बता दें ये दूसरी बार होगा कलर्स में, क्योंकि इससे पहले ये दोनों इश्क में मरजावा में नजर आ चुकी हैं, जहाँ पर इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री खूब कमाल की दिखाई दी थी। जी हाँ, बात की जाए निया शर्मा की तो हाल ही में वो जमाई राजा के दूसरे पार्ट में रवि दुबे के साथ नजर आई हैं। वहीं आलिशा पनवर की आखिरी बार लाल इश्क और इश्क में मरजावा में देखा गया था। फिलहाल तो आप सभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं निया और आलिशा को एक साथ एक बार फिर से ऑन स्क्रीन देखने के लिए।